हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शुमाइल है, आप लोग देख रहे हैं आरके टेक न्यूज। स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो। आज मैं करूंगा कंप्लीट कंपैरिजन एसोस ज़ेनफोन मैक्स M2 का शाओमी के रेडमी 6 प्रो से, जो कि इंडिया में रेडमी 6 प्रो के नाम से है और बाहर ममालिक में A2 लाइट के नाम से है। तो मैं बताऊंगा आपको कौन सा फोन आपको लेना चाहिए इन दोनों में से। तो हमेशा की तरह मैंने यहाँ पर 5 पॉइंट्स पे कंपेरिजन किया है। पहला बिल्ड क्वालिटी, सेकंड स्क्रीन, थर्ड कैमरा, फोर्थ परफॉर्मेंस एंड फिफ्थ बैटरी। सबसे पहले बात करूं अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की, तो दोनों की बिल्ड क्वालिटी तकरीबन सेम है। आपको दोनों में मेटल बिल्ड क्वालिटी मिलती है। जो बैक पर फ्रेम है वो मेटल का है, लेकिन जो ऊपर नीचे है वो प्लास्टिक है। तो यहाँ पर यूनिबॉडी डिजाइन नहीं मिलता, लेकिन आपको मेटल का फ्रेम मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर मैं बात करूं दोनों की स्क्रीन की, तो वहां पर मामला काफी अलग है, क्योंकि शाओमी के रेडमी 6 प्रो में आपको मिलती है एक फुल HD प्लस पैनल और एक नॉच वाली स्क्रीन 5.8 इंचेस की IPS LCD पैनल। इसका मतलब ये है कि जो पिक्सल डेंसिटी है वो ज्यादा है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप अगर मूवीज देखते हो ज्यादा, तो आपकी जो पिक्सल्स हैं वीडियो के वो फटने वाले नहीं है। आपको बहुत अच्छी स्क्रीन क्वालिटी देखने को मिलेगी Mi A2 में, रेडमी 6 प्रो में। लेकिन अगर मैं बात करूं अदर हैंड एसोस की, तो वहां पर आपको जो स्क्रीन मिलती है वो है 6.3 इंचेस, मतलब रेडमी 6 प्रो से बड़ी स्क्रीन है, लेकिन जो रेजोल्यूशन है वो कम है, मतलब उल्टा है। रेजोल्यूशन 720 पिक्सल की है। तो अगर आप बहुत ज्यादा मूवीज देखते हैं तो आप जो है वो रेडमी 6 प्रो लें, लेकिन अगर आपको इतना फर्क नहीं पड़ता है स्क्रीन से, तो आप एसस ले सकते हैं, क्योंकि एसस में आपको जो पिक्चर स्क्रीन की रेजोल्यूशन है वो काफी कम मिलने वाली है। 6.3 इंच का बड़ा डिस्प्ले है और रेजोल्यूशन बहुत कम है, तो आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो डायरेक्ट सनलाइट में देखने में मोबाइल में। अब मैं बात करूं अगर दोनों की परफॉर्मेंस की, तो यह मामला काफी अलग है। मतलब जो शॉमी में आपको इस प्रोसेसर मिलता है वो है स्नैपड्रैगन का 625, जो कि हर कोई जानता है कि ये एक पावर विजन प्रोसेसर है। ये कोई भी ऐप चलाने में आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। आप ऐप स्विच आराम से कर सकते हो, मल्टीटास्किंग कर सकते हो, कोई भी गेम खेल सकते हो लो हैंड सेटिंग पे। और जो बड़े गेम हैं जैसे कि पबजी टाइप, उनको आप लो एंड पे आराम से खेल सकते हो, लेकिन जहां आप नॉर्मल पे जाओगे ये मोबाइल लैग करेगा, मतलब ये प्रोसेसर इतना हैंडल नहीं कर पाएगा। तो बात कहने की ये है कि ये गेमर्स के लिए नहीं है मोबाइल। अगर आप डे टू डे यूज करते हो, रोज का अगर यूजेज है आपका, तो आपके लिए ये बेस्ट है। लेकिन अदर हैंड अगर हम एसस को देखें, तो एसस आपको देता है स्नैपड्रैगन का 632 का प्रोसेसर, जो कि एक बिल्कुल न्यू प्रोसेसर है, और वो 40% तेज है स्नैपड्रैगन 625 से। और वो कोई भी गेम आराम से चला सकता है नॉर्मल सेटिंग पे, और आप आराम से एंजॉय कर सकते हो किसी भी गेम को। और काफी ज्यादा AI मोड्स भी सपोर्ट करता है ये प्रोसेसर, तो आपको काफी ज्यादा बेहतर परफॉर्मिंग मिलेगी और न्यू फीचर मिलेंगे स्नैपड्रैगन 632 में। तो एसस जो है वो उसका प्रोसेसर काफी स्ट्रांग है, तो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एसस जो है वो बेस्ट है। आप शाओमी को जो है स्किप कर सकते हो अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए। अब मैं बात करूंगा दोनों के कैमरास की, तो जो एसस में वो कैमरा मिलता है वो है 13+2 मेगापिक्सल का कैमरा, और जो उसका अपर्चर है मेन कैमरे का वो है f1.8। इसका मतलब ये है कि आपको लो लाइट में जो पिक्चर है वो बहुत ही शानदार आएगी और बहुत अच्छी आएगी। और इतने कम पैसों में इन्होंने इतना अच्छा कैमरा दिया है, तो ये आई थिंक मैंने पहली कंपनी देखी है जो इतने कम पैसों में प्रोसेसर और कैमरे पे दोनों पर फोकस किया है। तो आपको काफी अच्छी पिक्चर देखने को मिलेंगी लो लाइट में खासकर। लेकिन अदर मैं बात करूं अगर शॉमी की, तो A2 लाइट में आपको मिलता है 12+5 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, लेकिन जो अपर्चर है कैमरे का वो है f2.2। मतलब ये है कि लो लाइट में जो आपकी पिक्चर आएगी वो इतनी अच्छी नहीं आने वाली। लो लाइट में कैमरा बिल्कुल बिल्कुल यूजलेस हो जाएगा, आपको इतनी अच्छी पिक्चर नहीं दे पाएगा जैसी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो अपर्चर है वो इस काबिल नहीं है कि वो लो लाइट में पिक्चर ले सके। तो मेन कैमरे में एसस क्लियरली विन करता है, वो भी अच्छे से, अच्छे खासे मार्जिन से। लेकिन हम बात करें अगर फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट कैमरे का भी कुछ ऐसे ही हाल है। एसस में आपको मिलता है
8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, जो कि काफी है आपके सोशल मीडिया के पिक्चर्स के लिए। नॉर्मल कैमरा है एक, हम इसको कुछ ज्यादा नहीं कह सकते, कुछ सेल्फी सेंट्रिक फोन नहीं है ये, लेकिन एक 8 मेगापिक्सल का कैमरा बेरेबल है इस प्राइस में, अच्छा है। लेकिन जो Mi A2 में कैमरा है, वो A2 लाइट में जो कैमरा है, वो है 5 मेगापिक्सल का सिर्फ। मतलब 5 मेगापिक्सल कैमरा आप इससे कुछ ज्यादा खास एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप सोशल मीडिया के लिए भी ऐसी खास पिक्चर नहीं ले सकते कि आपकी लोग पिक्चर देख के बोले यार वाकई पिक्चर है, ऐसे नहीं हो सकता। हाँ, डे लाइट में पिक्चर अच्छी आएगी, लो लाइट में पिक्चर इतनी अच्छी नहीं आएगी, पिक्सल्स काफी फटेंगे। तो आई डोंट थिंक सो कि शाओमी ने ये सोचा था इस फोन को बनाते हुए, क्योंकि इनको कम से कम 8 मेगापिक्सल कैमरा तो देना चाहिए था। तो दोनों का जो अपर्चर है वो f2.0 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों की जो लो लाइट पिक्चर्स हैं वो सेम है, लेकिन जो 5 मेगापिक्सल इनकी सेल्फी कैमरा है वो काफी अफेक्ट करेगा। अगर आप सेल्फी लवर हैं तो एसएस पे जाएं। अब मैं बात करूं अगर दोनों की बैटरी की, तो दोनों में 4000 mAh की बैटरी मिलती है। तो आप कोई सा भी फोन लेंगे, आपको बैटरी जो है वो तकरीबन सेम मिलेगी, लेकिन जो शॉमी के पास एज है वो ये है कि उन्होंने स्नैपड्रैगन का 625 का प्रोसेसर यूज किया है, जो कि बैटरी एफिशिएंट के नाम से मशहूर है, और वो आराम से आपको 2 दिन देगा फुल डे यूजेज पे, क्योंकि इस प्रोसेसर की जो बैटरी कंजम्पशन है वो बहुत अच्छी है, ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छे से हैंडल करता है बैटरी को। और बात करूं अगर दोनों के एक्स्ट्रा फीचर की, दोनों में कोई फास्ट चार्जिंग जैसा मजाक नहीं है, दोनों में आपको माइक्रो यूएसबी का पोर्ट मिलता है, और शाओमी में आपको आईआर ब्लास्टर भी मिल जाएगा, जो ये अच्छी बात है। आप टीवी वगैरह अपने मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हो, और दोनों आपको ड्यूअल सिम प्लस मेमोरी कार्ड की सपोर्ट देते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ये थी आज की वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।